और स्नोफॉल कब होता है यहाँ पे, जनवरी से फरवरी में यहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो गाइज अब मैं पहुँच चुका हूँ रिज मैदान पे, हॉर्स राइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। 150 रुपये ये एक बंदे का चार्ज करते हैं। और रोपे और जाखू मंदिर दिखाया किसी ने? किसी ने दिखाया होगा गाइज। मॉल रोड जो जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में भाई। यहाँ पे आपको लंच ब्रेकफास्ट, ये है आपका स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट ना एक नेगेटिव पॉइंट है और एक लवर पॉइंट भी है। मॉल रोड पे ना आपको इंडियन कॉफ़ी हाउस भी देखने को मिलेगा। ये वाला रास्ता आपका जाएगा पता कहाँ? ये जाएगा आपका मिडिल बाज़ार, लोअर बाज़ार और गंज बाज़ार के लिए। और आपको टैक्सी दिखाई दे रही है ना, इनोवा रेड विच पीस, ये आपको ले जाएगी एडवांस स्टडी। ये शिमला का रेलवे स्टेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, आपका एजी चौक शिमला, एजी चौक तक ही सारी टैक्सी आती है और एजी चौक से। और ये शिमला शहर का नज़ारा अपने को बस मिलेगी। देखो गाइस ये शोके के लिए बस आ रही है और मनाली यहाँ से 243 किलोमीटर, हमीरपुर 140 किलोमीटर। धर्म जब आप दिल्ली से आओगे तो आप इस जगह में उतरोगे। न्यू व्लॉग में आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है शिमला के सेल्फी पॉइंट से भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज शुरुआत हो रही है व्लॉग की शिमला के सेल्फी पॉइंट से भाई, ठीक है। और बहुत ही सुंदर बना रखा है सेल्फी पॉइंट, यहाँ से ना आप लोग फोटो सेशन कर सकते हैं। और गाइस देखो नीचे क्या है, ये लक्कड़ बाजार, और ये लक्कड़ बाजार जाने का रास्ता, और आइस स्केटिंग होती है वहाँ नीचे। और बहुत जल्दी यहाँ पे ना पता क्या बनने वाला है, लिफ्ट लगने वाली है सीधी मॉल रोड के लिए। और ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना ये काम, और बहुत अच्छा हो जाएगा बैठने के लिए। इंडियन फ्लैग वंदे मातरम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो गाइज आज हम आपको टूर करवाने वाले हैं शिमला शहर का, ठीक है। और बहुत कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं। पिछले ब्लॉग में आपने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट दिखाया, इस ब्लॉग में ऐसे स्पोर्ट दिखाना, ठीक है। बाकी शिमला को फ्री टूर पैकेज के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं अपने भाई निखिल भाई हिमाचल से। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये टॉपिक कैसी लगी थी आप लोगों को, लेनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को। और सामने ये टाउन हॉल शिमला भाई, और शिमला शहर का ये लेटेस्ट नज़ारा निखिल भाई हिमाचल के द्वारा। चलो भाई, तो गाइज अब मैं पहुँच चुका हूँ रिज मैदान पर, और बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है रिज मैदान पर गाइज। और यहाँ पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, और थोड़ा सा मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ रुको यहाँ का। आप लोगों ने हालांकि हमारे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, बट मैं अभी फिर दिखा देता हूँ आपको नज़ारा, ठीक है। ये देखो गाइस, ये है आपके शिमला शहर का नज़ारा। ये देखो, ये आप रिज मैदान से लक्कड़ बाजार का रास्ता, ये देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा ना, ये है लक्कड़ बाजार वाला रास्ता। और बहुत जल्दी यहाँ से ना टूरिज्म लिफ्ट लगने वाली है, और यहाँ बहुत जल्दी काम कंप्लीट होगा ना जो गाइस, तो ठीक हो जाएगा ये बैठने के लिए। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाइस यहाँ से, इसी नज़ारे के लिए तो आप पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग विजिट करते हैं। और ये है शिमला शहर का लेटेस्ट नज़ारा निखिल भाई हिमाचल के द्वारा। आप लोग हॉर्स राइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। 150 रुपये ये एक बंदे का चार्ज करते हैं, मैंने पहले भी बताया अपने पिछले ब्लॉग में। और बहुत जल्दी यहाँ पर स्नोफॉल भी होने वाला है, जी हाँ सही सुना आपने, बहुत जल्दी यहाँ पर स्नोफॉल भी होने वाला है गाइस। और स्नोफॉल कब होता है यहाँ पर? जनवरी या फरवरी में यहाँ पे स्नोफॉल होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना टूर पैकेज बुक नहीं करवाया तो जल्दी से अपना टूर पैकेज बुक करवा लो, और इस तरीके के आप लोग हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। ये देखो छोटे छोटे बेबी यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करते हुए, 150 रुपये लेते हैं ये एक बंदे का। और अभी मैं आपको कहाँ ले चलूँगा, अभी मैं आपको ले चलूँगा स्कैंडल पॉइंट, और छोटा सा आपको मॉल रोड का टूर भी करवाऊँगा। और कुछ इंटरेस्टिंग बात मेरे को आपको आगे ब्लॉग में बतानी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बट आप लोग देख लो ये शिमला शहर का लेटेस्ट नज़ारा, फिर मत बोलना कि यार निखिल भाई आपने शिमला शहर का हमें लेटेस्ट नज़ारा नहीं दिखाया। देख लिया गाइज आपने, आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं गाइज। और सामने देख जाखू मंदिर मेरे को दिखाई दे रहा है, ये देखो जाखू मंदिर, आप लोग रोपवे से जाखू मंदिर जा सकते हैं। इतने नज़दीक से किसी ने दिखाया पूरी मैदान, रुको इतने नज़दीक से दिखाया किसी ने क्राई चाचा आपको? और रोपवे और जाखू मंदिर दिखाया किसी ने? किसी ने नहीं दिखाया होगा गाइज आपको, ये सिर्फ आपको दिखाएगा निखिल भाई हिमाचल, और कोई नहीं आपको दिखाएगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देख लिया गाइज आपने, अब आपको ले चलता हूँ यहाँ से मॉल रोड की तरफ। चलो लो गाइज, अब हम आ चुके हैं टाउन हॉल शिमला के पास भाई, और थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं कहाँ, स्कैंडल पॉइंट के पास। स्कैंडल पॉइंट जो आपका एक लवर पॉइंट है और एक आपका कनेक्टिंग पॉइंट भी है। बहुत जल्दी इन पेड़ों में आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी, बर्फ़ देखने को मिलेगी ना गाइज, तो आप लोग बोलोगे निखिल भाई यार क्या ही दिखा दिया आपने। गाइज ये है आपका स्कैंडल पॉइंट, और थोड़ा सा आपको टूर करवा देता हूँ मैं मॉल रोड का, ठीक है। ये है गाइज आपका मॉल रोड जो जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में भाई। यहाँ पे आपको लंच ब्रेकफास्ट और डिनर करने के बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे,
और दूसरी बात क्या कि बंदरों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये देखो बंदरों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, फिर आप लोग यहाँ पे घूम सकते हैं। 3.5 किलोमीटर का मॉल रोड है और पैदल ही आपको चलना पड़ेगा, चाहे बच्चे हो चाहे बुज़ुर्ग हो, सबको पैदल ही चलना पड़ेगा। और बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है इस टाइम, बरसात ख़त्म हो चुकी है गाइस। यहाँ पे आपको मिलेगा डोमिनोज़, ये देखो डोमिनोज़ मिलेगा, पिज़्ज़ा हब आपको मिलेगा, आप लोग यहाँ पे फास्ट फूड का मज़ा भी ले सकते हैं, जैसे अगर पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, टिक्की, चाट भंडार और परांठे, इन सब का मज़ा आप लोग ले सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और हमारी वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती है, ज़रूर बताएं मेरे को कमेंट करके। भाई मेरे को आप ना ये एक चीज़ बताना है कि आपको ना मॉल रोड पे ना क्या लगती है सबसे अच्छी चीज़, ज़रूर बताना मेरे को कमेंट करके। मॉल रोड पे आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, एक तो ये बताना आप मुझे कि मॉल रोड पे आपको क्या अच्छा लगता है। बाकी आपको ले चलते हैं क्या स्कैंडल पॉइंट के पास। चलो ये है आपका स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट ना एक कनेक्टिंग पॉइंट है और एक लवर पॉइंट भी है जो जोड़ता है रिज मैदान और मॉल रोड को आपस में भाई। और हम लोग जाएंगे विक्टी टनल की साइड। चलो यहाँ से नीचे जो ये लेफ्ट वाला रास्ता ना ये जाएगा आपका विक्टी टनल और रेलवे स्टेशन के लिए, और जो राइट वाला रास्ता ना जो ऊपर से जा रहा है गाइस ये जाएगा आपका ग्रैंड होटल शिमला और कालीबाड़ी टेम्पल शिमला के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मॉल रोड पर ना आपको इंडियन कॉफ़ी हाउस भी देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पे भी लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हैं। और ये वाला जो ऊपर वाला रास्ता जा रहा है ना, ये ऊपर से ये रास्ता जा रहा है आपका कालीबाड़ी टेम्पल के लिए। ये देखो इंडियन कॉफ़ी हाउस रजिस्टर्ड बाय 1728। यहाँ पे ना आपको राजा महाराजा वाली फीलिंग आएगी, तो आप लोग यहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हैं जाके। और ये है आपका BSNL ऑफिस गाइस, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका मॉल रोड। ठीक है, ज़रा दूर नहीं है गाइस मॉल रोड से रेलवे स्टेशन, 10 मिनट में लगेंगे आपके, 10 मिनट में आप लोग पहुँच जाएंगे शिमला मॉल रोड से शिमला के रेलवे स्टेशन। ये BSNL ऑफिस आपका, अब यहाँ पे आराम कर रहा हूँ इस जगह में, यहाँ से आपका मॉल रोड शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से मॉल रोड शुरू हो जाता है, BSNL ऑफिस के पास है भाई। जब बर्फ़ पड़ती ना गाइस तो ऐसे ऐसे गिरती है, ऐसे। और ये वाला रास्ता आपका जाएगा पता कहाँ, ये जाएगा आपका मिडिल बाज़ार, लोअर बाज़ार और गन बाज़ार के लिए। और ये है आपका BSNL ऑफिस भाई। और ये जो सामने आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये रास्ता जाएगा आपका ग्रैंड होटल शिमला के लिए। और देखो सामने आपको दिखाई दे रहा है वहाँ लास्ट में, ये ग्रैंड होटल शिमला भाई। और यहाँ से ना जो टैक्सी है ना, रुको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जो आपको टैक्सी दिखाई दे रही है ना इनोवा रेड विच पीस, ये आपको ले जाएगी एडवांस स्टडी। एडवांस स्टडी का जो टिकट लगता है ना वो लगता है इनमें 20 रुपये, 20 रुपये में आप लोग एडवांस स्टडी पहुँच जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा ऊपर जाओगे ना इस रास्ते से तो आप लोग पहुँच जाओगे ग्रैंड होटल शिमला। चलो अब चलते हैं भाई इस रास्ते से नीचे की तरफ। चलो और गाई जब आप शिमला शहर आते हो ना तो भाई ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहिए आपको। देखो भाई किसी के साथ होटल का स्कैम हो जाता है, ठीक है, और आपको बोलेंगे सस्ते में आपको होटल मिलेगा भाई, 600-700 रुपये 800 रुपये का आपको होटल मिलेगा, और आपसे पैसे लेंगे ना और बस फिर हट के फ़ोन ही उठाएंगे आपका। दूसरी बात, जो यहाँ पे जितनी भी टैक्सी सर्विस है शिमला की अगर बात करूँ मैं, तो जितनी भी टैक्सी सर्विस है उनके सबकी अपने अपने कॉस्टिंग होती है, अपने अपने ही उनके प्राइस होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अपनी सर्विस होती है, तो सर्विस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्राइस डिसाइड होते हैं। और किसी का भी फिक्स प्राइस यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता दूँ कि किसी भी टैक्सी ड्राइवर का यहाँ पे जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है, तो आप ये मत सोचे कि यार इसने मुझसे ज़्यादा लिया इसने मुझसे कम लिया। ठीक है, बातें करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं शिमला की सबसे खूबसूरत जगह, रुको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने आपका शिमला का रेलवे स्टेशन, ये देखो ये शिमला का रेलवे स्टेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, और काफ़ी दूर है गाइस, ये इतने नज़दीक नहीं है, देखो काफ़ी दूर ही है। और यहाँ से नज़र आ रहा है मेरे को क्या, ओल्ड बस स्टैंड, ये देखो मेरे को थोड़ा सा दिखाते हो, ये देखो ये शिमला का ओल्ड बस स्टैंड नज़र आ रहा है आपको, ये देखो ये शिमला का ओल्ड बस स्टैंड। और ये है शिमला का मॉल रोड जाने का रास्ता, ये वाला दिखाई दिया आपको। और ये है आपका विक्टी टनल और रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता। जब भी आप शिमला शहर आते हो ना तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे घूमने की जगह कौन कौन सी, जैसे शिमला मॉल रोड हो गया, शिमला लक्कड़ बाज़ार हो गया, एडवांस स्टडी हो गया, संकट मोचन हो गया, तारा देवी टेम्पल हो गया, और कुफरी हो गया, नालदेरा हो गया, मशोबरा हो गया और नारकंडा हो गया, ये सारी की सारी जगह आप लोग घूम सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सारी जगह एक्सप्लोर कर रखी है सारी जगह। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, ये वाला चैनल हमारा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए
और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना आप लोग, ठीक है। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो है मेरी निकलवाई हिमाचल, यानी कि यार कुछ मेरे को लग रहा था कि पता नहीं किसी चीज़ ने खा लिया, तो ऐसे लग गया था करने। और जस्ट हम अभी पहुँचने वाले एजी चौक, और शिमला रेलवे स्टेशन बहुत ही नज़दीक पड़ता है आपका मॉल रोड से, 10 मिनट में आप लोग पहुँच जाएंगे, ज़्यादा टाइम तो आपको लगता नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए सारी जगह के बारे में, भाई कितना पैदल है यहाँ पे, टैक्सी चलती है कि नहीं चलती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं एजी चौक के पास, एजी चौक शिमला। एजी चौक तक की सारी टैक्सी आती है और एजी चौक से ही हमें पैदल जाना पड़ता है। एजी चौक से आपका शुरू हो जाता है मॉल रोड। और ये देखो जो टेम्पो ट्रैवल जा रहे हैं ना, ये जा रहे गाइस पता कहाँ, एडवांस स्टडी के लिए, जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था ना बीएसएनएल ऑफिस के पास से। अब हमें जाना है इस वाले रास्ते से नीचे। चलो, कितना अच्छा बना रखा है ना बैठने के लिए, बैठ जाओ गाइस अगर आपने बैठना है। और ये शिमला शहर, और सामने आपका एजी चौक, और ये वाला रास्ता है पैदल विक्ट्री टनल के लिए। चलो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि शिमला रेलवे स्टेशन से आप लोग पैदल भी जा सकते हैं मॉल रोड के लिए, यही वाला रास्ता फॉलो करके। अगर आप लोग पैदल नहीं जाना चाहते तो आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, या फिर आप एजी चौक तक आओगे, ठीक है, या आप लोग आओगे टूरिज्म लिफ्ट की तरफ, मैं आपको लिफ्ट भी दिखाऊंगा। बट अगर आप लोग पैदल चल सकते हैं तो आपको पैदल चलना चाहिए, मैक्सिमम शिमला में पैदल चलने के लिए होता है, मैक्सिमम शिमला में पैदल चलने के लिए होता है गाइस, मैं आपको बता दूँ। रुक जाओ गाइस, ये है शिमला शहर का नज़ारा। और अभी मैं बात कर रहा था ना कि लिफ्ट कहाँ है, देखो यहाँ पे लिफ्ट आपकी इस जगह में, ये देखो इस जगह में आपकी लिफ्ट, और लिफ्ट से आप लोग जाओगे फिर मॉल रोड। और ये है शिमला शहर का नज़ारा गाइस। जितनी भी मैं वीडियो बनाऊँ ना शिमला शहर के बारे में उतनी कम है जितनी मैं वीडियो बनाऊँ, और ये नज़ारा को कोई नहीं दिखाएगा, ये नज़ारा को दिखाएगा सिर्फ निकलवाई हिमाचली। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ, विक्ट्री टनल के लिए। चलो गाइस, जस्ट हम पहुँचने वाले विक्ट्री टनल के पास, और यहाँ से मिलेगी हमारे को न्यू बस स्टैंड और आपका बाईपास के लिए बस। इस वाले रास्ते से आप लोग जाओगे सीधा स्टेशन की तरफ। ये देखो गाइस, इस पुल को बोलते हैं विक्ट्री टनल का पुल, पता है आपको, ऐसा पुल आप लोगों ने देखा है कहीं तो ज़रूर बताएं मेरे को। और यहाँ से मिलेगी हमारे को बस गाइस, ये देखो तो सामने आपको जगह दिखाई दे रही ना, ये वाली जगह जहाँ मेरी उंगली है, यहाँ से हमारे को बस मिलेगी कहाँ के लिए, क्रॉसिंग बाईपास और न्यू बस स्टैंड शिमला के लिए। अगर आप लोगों ने जैसे कुफरी जाना है, नारकंडा जाना है, तो आपको इस जगह से बस मिलेगी, यहाँ ऊपर आपको लेफ्ट साइड में खड़ना पड़ेगा, फिर आपको कुफरी और नारकंडा के लिए बस मिल जाएगी। अगर आपने न्यू बस स्टैंड, आईएसबीटी बस स्टैंड और क्रॉसिंग बाईपास जाना है ना, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इस जगह। और ये जो पैदल रास्ता है ना गाइस, ये रास्ता जाता है आपका ओल्ड बस स्टैंड और टूरिज्म लिफ्ट की तरफ। अगर आप लोग इससे इधर को आओगे, इस वाली साइड को, ठीक है, तो आप लोग जाओगे रेलवे स्टेशन की तरफ, बहुत नज़दीक है गाइस, यहाँ से बहुत नज़दीक ये वाला रास्ता जाएगा गाइस, पता कहाँ, ओल्ड बस स्टैंड के लिए और टूरिज्म लिफ्ट के लिए भाई। और यहाँ से आपको बस मिल जाएगी कुफरी और नारकंडा के लिए। बहुत सुंदर मौसम हो रहा गाइस, बरसात तो अपना ख़त्म ही हो चुकी है, अगर आप लोगों ने जैसे आना है ना तो आप लोग आ सकते हैं। और ट्रैक भी आपको यहाँ से नज़र आएगा, 4 फुट का रास्ता है ये गाइस चलने के लिए। और बस कहाँ के लिए आ रही है, देखो नए बस स्टैंड के लिए बस आ रही थी गाइस ये, आईएसबीटी के लिए। चलो दूसरी बस में चल जाएंगे हम, और 4 फुट का रास्ता है ये चलने के लिए ना। और शिमला कुफरी टूर पैकेज के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं अपने भाई निखिल भाई हिमाचल से, कैसे कॉल कर सकते हैं मेरे को डायरेक्ट ही। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्रॉसिंग बाईपास, क्योंकि मैक्सिमम जो बसें आती ना वो क्रॉसिंग बाईपास आती है गाइस, मैक्सिमम जो बसें आती है वॉलो बस जो दिल्ली से आती ना वो क्रॉसिंग बाईपास आती है गाइस। तो चलो अब आपको ले चलते हैं क्रॉसिंग बाईपास, अपने को बस मिलेगी। देखो गाइस ये शोके के लिए बस आ रही है, यहाँ से अपने को बस मिलेगी कहाँ के लिए, न्यू बस स्टैंड के लिए। और बस आने वाली है, ये शोके के लिए बस आई है, और इस जगह पे रुकेगी बस, और फिर ले चलेंगे आपको कहाँ, क्रॉसिंग बाईपास और न्यू बस स्टैंड शिमला। A few moments later. गाइस अभी मैं पहुँचा हूँ पता कहाँ है, क्रॉसिंग बाईपास, यहाँ से मंडी है, रुको यहाँ से 145 किलोमीटर गाइस, और मनाली यहाँ से 243 किलोमीटर, हमीरपुर 140 किलोमीटर, धर्मशाला यहाँ से 233 किलोमीटर, कुफरी यहाँ से 18 किलोमीटर, नारकंडा यहाँ से 65 किलोमीटर, और रामपुर 131 किलोमीटर, तत्तापानी 51 किलोमीटर। ये पता कौन सी जगह, ये जगह है आपकी क्रॉसिंग बाईपास, और इस जगह में हुआ था लैंडस्लाइड, पता है आपको ना जो लैंडस्लाइड हुआ था ना, और जो समर हिल वाला रोड बंद हो गया था, ये देखो ये जगह है वो क्रॉसिंग बाईपास। और अगर आप लोगों ने एचपी यूनिवर्सिटी या समर हिल जाना है ना, तो आपको ऊपर वाला रोड फॉलो करना पड़ेगा। और हमें जाना है कहाँ, न्यू बस स्टैंड के लिए क्रॉसिंग बाईपास आगे थोड़ा सा, तो इस वाला रास्ते को हमारे को फॉलो करना पड़ेगा।
अब मेरी बात है थोड़ी ध्यान से सुनना आप, ठीक है। जब आप दिल्ली से आओगे ना शिमला की तरफ, तो आप लोग उतरोगे MC पार्किंग वोल्वो बस स्टैंड, ठीक है। जब आप शिमला से दिल्ली जाओगे तो आप लोग जाओगे कौन सी जगह से, MC पार्किंग से, ठीक है। MC पार्किंग जो एक ऐसी जगह है जो आपका पिकअप मतलब कि बोर्डिंग पॉइंट भी वही है आपका और ड्रॉपिंग पॉइंट भी वही है आपका। कौन सा है रुको मैं आपको दिखाता हूँ, वेट कर लो। ये देखो ये है गाइस आपका MC पार्किंग। जब आप दिल्ली से आओगे तो आप इस जगह में उतरोगे, इसको बोलते हैं MC पार्किंग क्रॉसिंग बाईपास, ठीक है। और जब आप दिल्ली के लिए वापस जाओगे शिमला से, तो ये जगह आपको मेंशन की होगी कि बोर्डिंग पॉइंट कौन सा है आपका, क्रॉसिंग बाईपास MC पार्किंग। तो ये जगह आपने याद रखनी है और इस जगह से आप लोग जा सकते होगा ओल्ड बस स्टैंड के लिए। ओल्ड बस स्टैंड के लिए आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, ये देखो वहाँ पे, और फिर यहाँ से आपको बस लेनी होगी और 10 रुपये आपका टिकट लगेगा और आप लोग पहुँच जाओगे ओल्ड बस स्टैंड लोकल बस में। तो ध्यान रखना इस बात का, वो अभी मैं आपको आगे चल के भी थोड़ा सा बताऊँगा, बट आपने ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। समझ आ गई ना गाइस आपको क्रॉसिंग बाईपास के बारे में। अब थोड़ा सा आपको आगे ले चलता हूँ और थोड़ा सा आपको जो आपकी MC पार्किंग है ना ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे ना गाइस काम चला है देखो, और सामने ना ऊपर आपको नज़र आएगी लक्कड़ बाजार और ओल्ड बस स्टैंड के लिए बस। गाड़ी के पीछे से आपको नज़र नहीं आ रही, रुक जाओ, ये नज़र आ रही है आपको ऊपर बस, ये जाएगी आपकी ओल्ड बस स्टैंड के लिए। ये देख लो गाइस, जो अगर आप लोग सीधा चले जाओगे ना आगे, तो आप लोग चले जाओगे कहाँ, चंडीगढ़ के लिए। सोलन है यहाँ से 40 किलोमीटर, चंडीगढ़ यहाँ से 110 किलोमीटर और दिल्ली है 340 किलोमीटर गाइस, ठीक है। इसी तरह रास्ता जाएगा आपका चंडीगढ़ के लिए और सोलन के लिए। अगर आप लोग टर्न ले लोगे यहाँ से, तो आप लोग जाओगे ISBT न्यू बस स्टैंड शिमला। लेफ्ट और राइट के दो रास्ते हैं यहाँ से, अगर आप लोग राइट रास्ता फॉलो करोगे तो आप लोग जाओगे ISBT न्यू बस स्टैंड शिमला। अगर आप लोग लेफ्ट रास्ता फॉलो करोगे तो आप लोग जाओगे ओल्ड बस स्टैंड शिमला। और ये वाला रास्ता है आपका चंडीगढ़ के लिए और ये है आपकी MC पार्किंग। रुको मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। गाइस जब आप शिमला आते हो ना, तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ घूमना, कहाँ पे होटल लेना, सब कुछ पता होना चाहिए आपको ना। हर कोई बंदा आपका वेको बना देगा, आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ होटल लेना है, कहाँ आपने घूमना है और कौन कौन सी जगह आपने घूम ली, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो बी केयरफुल गाइज, बी केयरफुल गाइज। ये है आपकी MC पार्किंग, देखो राम दलाल की यहाँ पे बस खड़ी है ना, तो जितनी भी आपकी वोल्वो बस है ना गाइज, वो MC पार्किंग यहाँ पे आती है और यहाँ से आप लोग जाओगे ओल्ड बस स्टैंड के लिए, ठीक है। समझ आ गया आपको, ये है आपकी MC पार्किंग क्रॉसिंग बाईपास शिमला। तो गाइज ये था शिमला शहर का लेटेस्ट ब्लॉग, आई होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा हमारे साथ। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।